हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम गैस चूल्हा बर्नर साफ करना बताएंगे बहुत आसान तरीके से। इस तरीके से आप साफ करेंगे तो बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, बिना किसी मेहनत के 5 मिनट में, बिना नींबू, बिना विनेगर, बिना सोडा के। इसे घिसना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और बिना किसी मेहनत के एकदम नए जैसा चमक जाएगा। तो मैं इसी तरीके से साफ करती हूँ, तो आज मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो देखिए कितना एकदम क्लीन हो गया है, एकदम न्यू जैसा चमक रहा है। वीडियो के लास्ट तक देखिए, पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने एक शैम्पू का पाउच ले लिया है, जो भी आपके घर में पड़ा हुआ है, एक्सपायर हो गया है या काफ़ी दिन से यूज नहीं कर रहे हैं, वो भी शैम्पू ले सकते हैं। और इसे एक बॉल में मैंने डाल दिया है और यहाँ पर मैं एक टोमेटो केचप ले रही हूँ। टोमेटो केचप भी ऐसे घर में पड़ा रहता है, जब बाहर से खाना मंगाते हैं तो उसके साथ मिलता है, तो अक्सर हम लोग नहीं खाते हैं कि कितना दिन का होगा, तो ऐसे ही रखा रहता है। तो मैं इसी से साफ कर देती हूँ और बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसके ऊपर से इस तरीके से डाल देना है और इसे 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। और थोड़ी सी पानी और इसमें मैंने डाल दिया है और इसमें बर्नर डाल करके और इसे मैं छोड़ दूंगी 10 मिनट, या टाइम है तो आधा घंटा के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। तो मेरे पास अभी टाइम है तो मैं आधा घंटा के लिए इसे छोड़ रही हूँ। तो आधा घंटा बाद अब चेक करती हूँ इसे और देखिए कितने अच्छे से साफ हो गया। अभी इसमें मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है और अपने आप ही काफ़ी हद तक साफ हो गया है। और फिर इसे जैसे बर्तन साफ करते हैं उस तरीके से साफ कर दीजिए, एकदम चमक जाएगा। और ये भी देखिए कितना जला हुआ था। और इस तरीके से प्लास्टिक का जो चाकू आता है उसे मैं कर रही हूँ और देखिए कितनी आसानी से छूट रहा है, एकदम इजली साफ हो रहा है। अक्सर हम लोग जब दूध उबालते हैं या चाय बनाते हैं तो किसी काम में लग जाते हैं तो गिर जाता है, और लगातार खाना जब बनाते रहते हैं तो वही जल के इस तरीके से एकदम जम जाता है। तो हमें लगता है कि इसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है, अब कैसे साफ होगा। तो इस तरीके से आप साफ करेंगे तो बिना किसी मेहनत के बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगा। इसके लिए ना तो हमें नींबू की ज़रूरत पड़ेगी, न ही विनेगर की, न ही सोडा की, और सिर्फ एक शैम्पू का पाउच और एक टोमेटो केचप से ही साफ हो जाएगी। अगर पैकेट वाला टोमेटो केचप नहीं है तो आप घर में जो यूज करते हैं वही आप ले सकते हैं 1 चम्मच, और उससे आप साफ करिए, बहुत ही इजीली साफ हो जाएगा। क्योंकि टोमेटो में विटामिन सी होता है और लंबे समय तक उसे स्टोर करने के लिए उसमें विनेगर डाला जाता है, तो इसीलिए इससे बहुत ही इजीली साफ हो जाता है और विनेगर नींबू कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए इस तरीके से मैं हल्का हल्का हाथों से कर रही हूँ और देखिए कितना अच्छे से साफ हो गया है। इसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो इसी तरीके से मैं पहले चूल्हे को साफ कर दूँगी और एक टॉवल या कपड़े भिंगा कर ले लीजिए और इस तरीके से आप इसे पोंछ दीजिए अच्छे से, एकदम क्लीन हो जाएगा। और एक शैम्पू से देखिए इसमें कितना झाग आ रहा है, और इसमें नहीं मैंने विम जेल डाला है, नहीं डिटर्जेंट, और एक शैम्पू से ही इतना झाग बन रहा है, बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। और इस तरीके से साफ करेंगे तो चूल्हे में स्क्रैच भी नहीं आएंगे और एकदम इजीली साफ भी हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ऐसे तो डेली चूल्हे और किचन को साफ करते ही हैं, लेकिन इस तरीके से 15 या 20 दिन में डीप क्लीनिंग सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो इसीलिए आज मुझे साफ करना था तो आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ कि मैं कैसे साफ करती हूँ। और जब चूल्हे या किचन अच्छे से साफ हो ना तो हमारी खुशी भी मिलती है और पॉजिटिविटी बनी रहती है, और उस पर जो खाने बनते हैं ना वो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो चूल्हे किचन जितना हो सके उतना ही साफ रखना चाहिए और हमेशा 10 से 15 दिन पर इस तरीके से एक बार ज़रूर ड्रिप क्लीनिंग करें।
और देखिए बातों बातों में कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, एकदम चमक गया है। अब चलिए चूल्हे को भी साफ कर देते हैं। तो चूल्हे के साफ करने के लिए जो हम जिससे बर्तन साफ करते हैं उसी स्कॉच से साफ करेंगे। इसके लिए कोई भी लोहा या स्टील वाला नहीं चाहिए, इसी स्कॉच से बहुत ही इजीली एकदम चमक जाएगा। तो देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी विम जेल ले लिया है, या तो इसमें शैम्पू का लगा हुआ है तो विम जेल भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इस तरीके से इसे साफ़ कर देना है। नॉर्मली जैसे बर्तन धोते हैं ना, बस इसी तरीके से इसे साफ़ करना है। इसे ज़्यादा रगड़ना नहीं है और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो देखिए मैं इस तरीके से हल्के हाथों से ही इसे रब कर रही हूँ और बिल्कुल एकदम साफ़ हो रहा है। और एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ी हूँ और एक हाथ से साफ़ कर रही हूँ, फिर भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इसी तरीके से बर्नल भी साफ़ कर दूँगी। तो सबसे पहले इसे साफ़ कर देना है स्कॉच से, और उसके बाद फिर ब्रश से कर देना है ताकि उसके छेद में जो भी गंदगी फंसा होगा वो निकल जाएगा। अब देखिए इस तरीके से ब्रश की सहायता से इसे साफ़ कर दूँगी। और चूल्हे में भी जहाँ पर साफ़ करते नहीं बन रहा था उसे ब्रश से आप इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल अंदर अंदर तक साफ़ हो जाएंगे। दोनों साइड से इसी तरीके से साफ कर देना है। अब देखिए चूल्हे और बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है। अभी इसे धोकर दिखाती हूँ। तो देखिए कितना साफ़ हुआ है, एकदम न्यू जैसा लग रहा है। और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा है, मैंने एक हाथ से ही साफ़ किया है और एक हाथ में मेरा मोबाइल है, फिर भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हुआ है। और मैं इसे लाइव दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी कट नहीं किया है मैंने। तो देखा आपने गैस चूल्हा बर्नर साफ़ करना कितना आसान है, बहुत ही आसानी से साफ़ हो गया है। अब इसे सेट करती हूँ। तो देखिए बर्नर कितना ब्लैक लग रहा था और अभी येल्लो हो गया है। और इसमें न ही मैंने नींबू का यूज किया है, न ही विनेगर और न ही सोडा, फिर भी एकदम न्यू जैसा चमक गया है बिना किसी मेहनत के। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरीके से आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो किसी भी रीजन में अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में।